दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर है उसने गिफ्ट किया था जो यहाँ महेंद्रगढ़ से है, और तब ये प्लांट बहुत छोटा था और मैंने उसको पहले ग्राउंड में लगाया था। ग्राउंड में काफी अच्छे से ग्रो कर गया, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रांच इसकी यहाँ लगा दी। ग्राउंड में और भी काफी प्लांट हो गए इससे, और ये जो प्लांट है इसको जो पर्पल हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, और मुझे तो ये जो ड्रेसेना होता है हमारा उसी की फैमिली का लगता है। बाकी अगर आप इसको किसी और नाम से जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस नाम से आप जानते हैं। अगर आपके गार्डन एरिया में बेड बना रखे हैं आपने तो उनमें क्या एक जैसे प्लांट आपने देखो कुछ जगह, जैसे हम कहीं गार्डन एरिया में जाते तो एक जैसे प्लांट होते हैं क्यारी टाइप में, तो वैसी जगह पे लगाने के लिए बेस्ट है क्योंकि ऑटोमेटिक फैलते चले जाएंगे, यानी कि इनकी ब्रांच जहां पे टिकेगी वहीं पे रूट्स आ जाएगा। आप इनको कटिंग से इजिली ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक कटिंग लीजिए, उसको पानी में डुबो के रख दीजिए, पानी में उसकी रूट्स आ जाएगी, फिर आप उसको पॉट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि बारिश का सीजन था तो इस प्लांट पर एरियल रूट्स काफी ग्रो कर गई है, तो मैं आज एक प्लांट इसमें से निकालकर इस एक छोटे से कप के अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए इसकी कितनी एरियल रूट्स है, और यहीं से जो है हम इनकी एक जो ब्रांच है वो अलग कर देंगे जिसपे रूट्स आ रही है, और वो हम इस कप में ग्रो करेंगे। एक्चुअली इस प्लांट से हम 4 से 5 प्लांट और बना सकते हैं अभी, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक प्लांट निकाल के दिखा देता हूँ इसमें से। दोस्तों तो देखिए इसकी जो ये ब्रांच है ऊपर वाली, इस पर रूट्स देखिए कितने अच्छे से आ गए हैं, और एक ये नीचे वाली जो है इस पर रूट्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो नीचे वाली है ये हम ले लेते हैं, और ये थोड़ी हैवी है तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। ये जो ब्रांच है इसको हम यहाँ से इस तरह से अलग कर लेते हैं। आप चाहे तो कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ये टूट जाएगी इजिली। ये देखिए तो इसमें जो रूट्स है वो काफी है, और अभी एक प्लांट यहाँ पे और है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक ये जो ब्रांच है इस पे भी काफी रूट्स है, तो एक प्लांट ये बन सकता है, एक प्लांट ये बन सकता है, लेकिन फिर ये जो मेन प्लांट है ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और सिर्फ एक जो इसका जो बेबी प्लांट है ये हम ग्रो करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए एक छोटा कप ले ले, कोई भी पॉट ले ले आप, मैं एक कप ले रहा हूं तो आप एक बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। इसके नीचे की दो लीव्स जो है वो आप रिमूव कर दें, ये देखिए मैं इसके नीचे की जो लीव्स है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि जो सोइल में जाए तो ये सड़के खराब ना हो। अब ठीक है, तो अब हम इसको ग्रो करेंगे। इसके लिए जो सोइल है वो मैंने पहले ही जो है मिक्स कर रखा है, जिसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट, गोबरी खाद और जो रेत है, तो ये हम इसमें भर लेते हैं एक बार, और इसके बाद जो प्लांट है हमारा उसको पॉट कर देते हैं, और कुछ ही दिनों में ये प्लांट भी बड़ा हो जाएगा और काफी अच्छा लगेगा। तो आप भी एक ही प्लांट से काफी प्लांट इस तरह से बना सकते हैं। आप अगर आपके किसी फ्रेंड के पास इस तरह का प्लांट हो तो आप एक ब्रांच लाकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाता है। और दोस्तों तो ये देखिए इसमें मैं अभी जो वाटरिंग है वो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर हमारे खराब हो जाएगा पानी से, तो मैं इसको बाहर ले जाकर वाटरिंग कर दूंगा। तो इस तरह से एक प्लांट हमारे पास ये बन गया है। तो दोस्तों इस तरह से क्या काफी प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरह से कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, खासकर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो, जो होम प्लांट्स होते हैं वो हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको आप जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, आप कटिंग से भी ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।